हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे एक पॉकेट डायरी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पॉकेट डायरी बनी हुई है। आज हम वीडियो में यही बनाना सीखेंगे। तो पॉकेट डायरी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कलर्ड ए फोर साइज शीट्स, ब्लैंक ए फोर साइज शीट, एक पेयर ऑफ सीजर, स्केल और एक फेविक स्टिक। तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक प्लेन ए फोर साइज शीट ली हुई है, हम इसे हाफ में फोल्ड कर देंगे। अब इस पोर्शन को हम फिर से हाफ में फोल्ड कर देंगे और अब ऐसे ही इस साइड भी करेंगे। यहाँ पे हमने हाफ में फोल्ड कर लिया, इसे फिर से खोलेंगे और जो लाइंस है उस पे एक स्केल या फिर सीजर्स की मदद से इसको काट लेंगे। चारों स्टेप्स हम काट लेंगे। देख सकते हो हमारे पास अभी चारों स्टेप आ गई है। अब हम एक एक करके इसको पहले हाफ में फोल्ड करेंगे, फिर एक और हाफ में फोल्ड करेंगे, फिर एक और हाफ में फोल्ड करेंगे। ऐसे ही हम चारों स्टेप के साथ करेंगे। एक हाफ में फोल्ड करेंगे, फिर एक और बार फोल्ड करेंगे, फिर एक और बार फोल्ड करेंगे। ऐसे ही आपको सारे स्टिप्स के साथ करना है। मैंने यहाँ पे सारी फोल्डेड स्टिप्स बना के रखी हुई है। फोल्डेड फोल्ड होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगी। उसके बाद हमें एक एक करके सारी स्टिप्स खोल लेंगे। अब हम फेविक स्टिक लेंगे और एक स्टिप के एंड पे फेविक स्टिक लगाएंगे और दूसरी स्टिप के साथ उसे जोड़ देंगे कुछ ऐसे। अब हम ऐसी सारी स्टिप्स के साथ करेंगे। एंड में यहाँ पे आपके पास एक लंबी सी स्टिप आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, फेविस्टिक लेके आपको ऐसे स्टिप के एक साइड पे लगाना है। ऐसे लगा के आप क्या करेंगे, जैसे आप फिर इसको आप ऐसे फोल्ड करते रहेंगे। कुछ ऐसे इसको आप फूड स्टिक में फोल्ड करेंगे। जब आप फोल्ड कर लेंगे तो आपका ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हैं इसने एक अपनी एक पॉकेट डायरी की शेप ले ली है। अब दोस्तों हम इसका कवर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्लेन ए फोर साइज शीट लेंगे। आप कोई भी कलर की ए फोर साइज शीट ले सकते हैं और फिर उसे ऐसे हाफ पे फोल्ड कर देंगे। हाफ में फोल्ड करने के बाद उसे ऐसे फिर एक और हाफ में फोल्ड करेंगे। हमने यहाँ पे एक और आप में इसे फोल्ड कर दिया है। अब इसे हम खोलेंगे और सीजर्स की मदद से हम एक पोर्शन इसका काट लेंगे। यहाँ पर हमने इसका एक पोर्शन काट लिया है। अब हम इस पोर्शन को ऐसे रखेंगे
और हाफ में फोल्ड कर देंगे। हाफ में फोल्ड करने के बाद इस पोर्शन को हम फिर से हाफ में फोल्ड कर देंगे और इस पोर्शन को ऐसे ही फिर से हाफ में फोल्ड कर देंगे। तो हमारे पास फिर से ऐसे चार लाइनें आ चुकी है। फिर जो हमने चार स्टेप्स की मदद से ये बनाया था, हम इसका लास्ट वाला पेज ओपन करेंगे और इस पेज को इस लाइन के साथ जोड़ देंगे कुछ ऐसे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फेविस्टिक लगा लेंगे कुछ ऐसे और फिर इसे इसके साथ फोल्ड कर देंगे जैसे आप नॉर्मल एक कॉपी के कवर पे फोल्ड करते हैं। सेम साइड आप दूसरी सेम अब दूसरी साइड में भी करेंगे। कुछ ऐसे। उसके बाद आप पूरे पे ऐसे ग्लू गन लगा के जो उसका अगला पेज है उसे उसके ऊपर चिपका देंगे ताकि ये साफ एकदम आ जाए। और ऐसा ही आप फिर से दूसरी साइड करेंगे। बिल्कुल ऐसे ये हमने यहाँ पे कर दिया है और फिर इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद जो ऊपर से हमारा इतना ये पोर्शन बच रहा है उसको सीजर्स की मदद से ऊपर थोड़ा सा गैप छोड़ के ऐसे काट लेंगे। नीचे से भी आप सेम करेंगे। आपको पॉकेट डायरी को जैसी शेप देनी है आप उसको वैसे ही काट लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉकेट डायरी बन गई है। अब हम इसको स्केच पेन की मदद से डेकोरेट कर सकते हैं। स्केच मैंने यहाँ पे एक स्केच पेन की मदद से इसको डेकोरेट करके रखा हुआ है। आप ऐसे नहीं तो कैसे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास कितनी एक अच्छी पॉकेट डायरी बन चुकी है। प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जब मैं आगे वीडियो भेजते रहूं तो आप वीडियोस को देखते रहेगा। थैंक यू।